हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग गए थे मार्केट, वहाँ से पिज़्ज़ा ले आए हैं। लॉकडाउन में बहुत दिनों से कहीं जा नहीं पा रहे थे, तो अरे इत्तेफाक से जाना हो गया, तो हम लोग कहे चलो वहाँ से पिज़्ज़ा ले आते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए खाते हैं पिज़्ज़ा, आप भी खाइए हम लोग के साथ। ये देखिए कितना यम्मी, कितना टेस्टी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। आप भी खा लीजिए। आप लोग कैसे हैं? तो देखिए, आज हम जा रहे हैं मटन बनाने, तो उसके लिए हमने अपने कुकर में तेल डाल दिए हैं। उसमें गोल्डन ब्राउन प्याज, 3 प्याज डाल दिए हैं, उसको गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। और इधर देखिए, हमने अपने मसाले तैयार किए हैं, जिसमें हमने ज़ीरा, काली मिर्च और जावित्री, जायफल और श्या जीरा, लहसुन, अदरक सब हमने इसमें देखिए ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए प्याज जो है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे। अब हम इसमें जा रहे हैं मसाले को ऐड करने। ऐड किए थे हमने मसाले, कुकर में हमने ऐड किए हैं। और देखिए, इसमें अब अलग से हम थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे। और ये देखिए, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर है और 2 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। अब इस मसाले को हम भून लेंगे और अकॉर्डिंग के हिसाब से इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। हाँ फ्रेंड, तो देखिए ये हमारा मसाला तकरीबन भून गया है। बस अब ये भून ही गया है। वैसे हम एकदम इसको सिंपल बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज थोड़ा काम ज़्यादा था, इसलिए हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं। लेकिन फिर भी हम चाहें कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और इधर देखिए, हमने चाय चढ़ा दिया, शाम का टाइम है तो हम चाय बना रहे हैं। देखिए हमारा मसाला भुना जा रहा है, और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ठीक से तेल इसमें से ऊपर ना आ जाए। अभी हम भून के रेडी हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। हाँ फ्रेंड, देखिए ये हमारा मसाला देखिए भून के एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल बाहर छोड़ दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा भुना है हमारा मसाला, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम मटन ऐड करेंगे। ये 1 किलो मटन है बकरे का। अब इसको डाल के हम इसमें भूनेंगे। ये देखिए, इसको हम भूनेंगे, इसका पानी थोड़ा सूख जाए, तब इसमें हम पानी डाल के सीटी लगाएंगे। और थोड़ा सा ऊपर से हम ये कच्चा प्याज डालेंगे कटा हुआ, इसी के साथ कि इसकी ग्रेवी अच्छी बने गाढ़ी। ये हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हाँ तो फ्रेंड, देखिए हमारा ये मटन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, और हमारे घरों में ये सभी को बहुत